प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो स्थितियां हैं वो बदलती रहती हैं, कभी भी समय एक सा नहीं रहता। अगर आज बहुत अच्छा कुछ घटित हो रहा है तो अवश्य ही कल कुछ ना कुछ दुख भी होगा, चाहे वो शारीरिक तल पर हो, आर्थिक तल पर हो, पारिवारिक तल पर या सामाजिक तल पर हो, कुछ ना कुछ दुख लगा ही रहता है। तो स्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, बहुत अच्छी हों चाहे बुरी हों, कल वो बदल जानी है। कुछ व्यक्ति आपने ऐसी स्थितियों में देखे होंगे कि जब विपरीत परिस्थितियां जीवन में आती हैं तो वो बड़े दृढ़ रहते हैं, वो उन स्थितियों से प्रभावित नहीं होते, वो उनसे आगे बढ़ जाते हैं और इन स्थितियों को अपने मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा स्थान नहीं देते। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्थितियों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, जीवन में अगर कुछ घटित हुआ तो उस बात पर अटक जाते हैं, उनके मन में कोई बात बैठ जाती है, वो बात उनके मन से निकल नहीं पाती है और वो बात जो कि बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी बात थी, वो धीरे 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 बड़ा आकार लेने लगती है और उनके दिमाग पर जैसे एक दबाव सा पड़ना शुरू हो जाता है। वो बात उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है, किसी व्यक्ति ने उनसे क्या कह दिया संबंधित हो सकती है, पारिवारिक स्थितियों से संबंधित हो सकती है या उनके भविष्य से संबंधित हो सकती है। लेकिन बात यह है कि छोटी बात को वो गलत तरीके से उस पर विचार करके बहुत बड़ा बना लेते हैं और उनको दिमाग में बिठाकर उन विचारों को वो अपने जीवन में बड़े नकारात्मक हो जाते हैं, चिंता तनाव से ग्रसित हो जाते हैं, डिप्रेशन से ग्रसित हो जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, हो रहा है, या फिर आपका स्वभाव ऐसा है कि आपके मन पर छोटी छोटी चीज़ें बहुत गहरा असर डालती हैं, तो आज का ये मार्गदर्शन आपके लिए है। हमने ऐसा देखा, हमारे पास जो हमारे बंधु आते हैं या फिर हमसे जो संपर्क में रहते हैं व्यक्ति, उनमें बहुत बड़ी संख्या आज के समय में ऐसी होती जा रही है जो कि मानसिक स्थितियों से परेशान हैं, मानसिक समस्याएं हैं। और जब हमने इस विषय के थोड़े गहराई में जाकर के देखा तो पाया कि विषय बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उस विषय पर गलत तरीके से विचार करने के कारण वो विषय बड़ा हो गया और उनके मन में अब एक डर बैठ गया है। उदाहरण के रूप में समझें कि हमारे पास एक बंधु आए जिनके शरीर में कोई विकार नहीं था, वो पूरी तरह से स्वस्थ थे, लेकिन उनके पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी और उनके परिवार में हृदय विकार अधिक था, चाहे उनकी जीवन शैली के, खान पान के कारण या जैसी भी स्थितियां रही, हृदय विकार ज़्यादा रहा। तो उनके मन में भी एक विचार बैठ गया कि कहीं मुझे भी हार्ट अटैक ना हो जाए। अब वो क्या करने लगे, छोटी छोटी सी चीज़ों को, शरीर में जो बदलाव होते रहते हैं उनको इस समस्या से जोड़ के देखने लगे। अगर उनके शरीर में कहीं भी कोई दर्द होता तो उन्हें लगता कि कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं हो गई है, कहीं कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ गया है। अगर उनको कुछ एसिड बन जाता, थोड़ा सा जो है आहार नाल में जलन हो जाती, तो वो सोचते कि मेरी तो छाती में जलन होनी शुरू हो गई है, कहीं मुझे हृदय विकार तो नहीं है। तो किया क्या उन्होंने कि छोटी छोटी शरीर में परिवर्तन जो भी होते हैं उसको इस समस्या से जोड़ के देखने लगे और बड़े परेशान रहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने ऐसा करना शुरू किया कि हर महीने वो हृदय से संबंधित जांच करवाने लगे। जैसे उन्हें कुछ आभास होता या आभास नहीं भी हो रहा है, वो डर के कारण ही हर महीने बहुत सारे चेकअप करवाते, टेस्ट करवाते और इसी प्रक्रिया में वो निरंतर फंसे रहते। इससे बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। यद्यपि कोई उनका ऐसा टेस्ट नहीं जो कि खराब आया हो, हमेशा उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता था, उन्होंने अपनी आहार भी बहुत अच्छा कर लिया, जीवन शैली अच्छी, योग आदि करने लगे, और ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या हो ये बहुत ही कठिन है। वो किसी प्रकार से किसी समस्या से त्रस्त नहीं थे, लेकिन इस विचार ने उन्हें इतना ज्यादा फंसा लिया कि उनके जीवन का जो केंद्र है यही एक विचार बन गया और उनका सामान्य व्यवहार भी प्रभावित होने लगा। ये हमने आपको एक उदाहरण दिया। इसी प्रकार की बहुत सारी बातें और बहुत सारे विचार हो सकते हैं जो किसी व्यक्ति के मन में बैठ सकते हैं कि मैं इस स्थिति में सक्षम नहीं हूं, या मैं इस कार्य को कर नहीं सकता, या मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं, या मेरा भविष्य अच्छा नहीं, आदि आदि। तो इन विचारों को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे बाहर निकला जा सकता है? हमने पहले भी आपको कई बार कहा है कि जो समस्या विचार से पैदा हुई है वो समस्या विचार से ही ठीक होगी। अब विचार की समस्या है और आप अपने दिमाग को इस तरीके की दवाइयों से प्रभावित करने लगे तो वो स्थिति ठीक नहीं है। उससे आप विचार को ठीक नहीं कर रहे हैं और ऊपर से उसको दबा रहे हैं तो और दूसरी समस्याएं उससे विकसित हो जाएंगी। करना क्या होगा, मूल में जाना होगा। किस प्रकार से, आपको ये समझना पड़ेगा कि थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है, एकांत में बैठने की आवश्यकता है और गंभीरता से
अपने आप से प्रश्न करने की ज़रूरत है कि क्या मेरे शरीर में अब तक कोई कमी आई है कि कोई कमी नहीं आई, क्या मेरे शरीर में ऐसा मैं कुछ कर रहा हूँ जिससे कि ये संभावना है कि ये हो सकता है कि नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्या मेरा आहार ठीक नहीं है, क्या मैं व्यायाम नहीं करता हूँ, या कोई दूसरी ऐसी स्थिति है। और आपको एक एक चीज़ को देखना होगा कि ये भी स्थिति ठीक है, ये भी स्थिति ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है, यानी कि आपको तार्किक रूप से अपने मस्तिष्क के साथ जैसे बात करनी होगी। आप एक व्यक्ति हैं और आपकी जो ये नकारात्मक परिस्थितियां हैं, ये इसको एक अलग ही कैरेक्टर आप समझ लें और उससे बात करें, उससे ये प्रश्न करें कि ये स्थिति बन रही है तो इसका कारण क्या है। और अगर कोई कारण नहीं है तो निराधार कोई विचार लंबे समय तक टिक नहीं सकता, मैं निश्चित रूप से ठीक हूं और मैं हमेशा ठीक रहूंगा। ये प्रश्न जब आप करेंगे तो आपको स्पष्टता होनी शुरू हो जाएगी और लगना शुरू हो जाएगा कि अरे मैं तो निरर्थक ही परेशान हो रहा था, ये तो कोई स्थितियां ऐसी थी नहीं जिनकी वजह से मैं इतना ज्यादा चिंतित हो रहा हूं। ऐसी जो स्थितियां हैं वो धीरे धीरे फिर समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहां पर भी हमने ये अनुभव किया, देखा कि ये स्थितियां तो ठीक हो गई हैं, लेकिन जो वो विचार मन में निरंतर चले उन्होंने मन पर इस प्रकार का प्रभाव छोड़ दिया कि उस व्यक्ति की जो वृत्ति स्थिति है वो बड़ी नेगेटिव हो गई, यानी कि उसके मस्तिष्क में जो डोपामिन हार्मोन का सिक्रेशन है वो या तो कम हो गया, या कोर्टिसोल बढ़ गया, या कुछ और इस प्रकार के बदलाव हुई, या फिर एक पैटर्न बन गए उसकी थिंकिंग के जो उसको बार बार नकारात्मक सा बनाए रखते हैं। अब इनको भी ठीक करना होगा। इनको कैसे ठीक करना है इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला हमने जो आपको संकेत किया कि जो डर बैठ गया है मन में, उस डर को तार्किक रूप से अपने आप से प्रश्न करके आपको ठीक करना है। दूसरे स्थान पर हर प्रकार की नकारात्मकता जो आपके जीवन में घर कर जाती है और आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है, आप एक स्थिति में अपने आप को ठीक अनुभव करते हैं लेकिन कुछ अव्यवस्था जीवन में हुई नहीं और आप फिर से चिंताग्रस्त हो जाते हैं। अब ये जीवन है, ये पूरी तरह से ठीक हो नहीं सकता, इसमें ऐसे उतार चढ़ाव रहेंगे, तो आपको अपनी स्थिति को ही मजबूत बनाना होगा। तो सबसे पहली जो चीज है जो आप इस दिशा में कर सकते हैं अपने आप को सकारात्मक बनाने के लिए, वो है कि आप अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उनको पूरा करें। आप अपने जीवन को व्यवस्थित करें। जब आप अपने जीवन को व्यवस्थित करेंगे, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएंगे, सुबह से शाम तक का एक आपके पास होगा कि मुझे ये 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 कार्य करने हैं, और आप संध्या तक उन सभी कार्यों को संपादित कर देंगे, पूरा कर लेंगे, तो आपके मन में एक भाव आएगा कि मेरा आज का दिन अच्छा गया, मैंने आज कुछ अच्छा सृजनात्मक बेहतर किया, मैंने इस दिशा में प्रगति की। तो ये जो भाव होते हैं जो आपकी कार्य से संबंधित, आपके आपकी प्रगति से संबंधित, आपके व्यक्तित्व के निर्माण से संबंधित होते हैं, वो जब भाव मन में आते हैं तो एक स्वाभाविक सकारात्मकता आती है। और ये सकारात्मकता ऐसी नहीं होती कि कोई खुशी हो गई, कोई स्थिति बन गई, कोई आपने कोई चीज देख ली, किसी व्यक्ति से मिल लिए, ये ऐसी स्थिति नहीं होती, ये अंदर से आपको मजबूत करने वाली स्थिति होती है। तो ऐसी स्थितियों में जब आप नकारात्मक अनुभव कर रहे हैं, अपने जीवन को बहुत ज्यादा व्यवस्थित कर दें, ये बड़ा बदलाव ला सकता है आपके जीवन में। तो जो पहला ही नियम है, आपको सुबह से शाम के पूरे अपने जीवन को, रूटीन को व्यवस्थित के रखना है निरंतर, और निरंतर आगे बढ़ना है। दूसरे स्थान पर आपके लिए प्राणायाम बहुत अधिक उपयोगी हो सकते हैं। प्राणायाम में भी तीन प्राणायाम विशेष रूप से आपको करने हैं। पहला होगा नाड़ी शोधन प्राणायाम, दूसरा होगा भस्त्रिका प्राणायाम, और तीसरा होगा भ्रामरी प्राणायाम। हमने पहले भी कई बार संकेत किया है कि ये तीन प्राणायाम प्रत्येक व्यक्ति को जरूरत है आज के समय में करने की। इन तीनों प्राणायाम के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हम साझा करवा देंगे, वहां से जाकर के देख लें। तीसरे स्थान पर ईश्वर पर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस विषय में शायद कोई साइकोलॉजिस्ट भी बात नहीं करेंगे, मनोरोग विशेषज्ञ कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो परिवर्तन ला सकती है और व्यक्ति को आत्मिक तल पर, अंदरूनी तल पर जो सबसे ज़्यादा मजबूत बना सकता है, वो ईश्वर के साथ अपने अस्तित्व को जोड़ लेना ही बना सकता है, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना ही बना सकता है, अंदरूनी ऊर्जा मिल जाएगी। और आप समझ लें कि जितना जितना आप ईश्वर से समीपता अपनी बनानी शुरू करेंगे, उतनी ही आपकी दूरी हो जाएगी बाहरी आसक्ति से। यानी कि जब आप शरीर के तल पर जीवन जी रहे हैं, शरीर को ही सब कुछ समझ रहे हैं, बाहरी वस्तुओं को ही सब कुछ समझ रहे हैं, तो बाहरी वस्तुएं कभी भी व्यवस्थित नहीं हो सकती, उनमें अच्छे बुरे बदलाव निरंतर होते रहेंगे और वो आपको गहन तलों पर प्रभावित करते रहेंगे। जब आप बाहरी वस्तुओं का प्रयोग सहज कर रहे हैं लेकिन आप प्राथमिकता दे रहे हैं अपने आंतरिक चेतना को, आंतरिक विषयों को, विचारों को, वृत्ति
को, तो वो आपको ईश्वर से जोड़ती हैं, और वहां पर जुड़ने के बाद फिर अव्यवस्था नहीं होती, निरंतर जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। ये एक बड़ा विषय है, इस पर भविष्य में चर्चा होगी कि किस प्रकार से आप अपने आप को इस माध्यम से भी और बेहतर और अच्छा अनुभव करा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए यही संकेत है कि अपने जीवन में निरंतर आध्यात्मिक विषयों को लाते रहें, धारण करते रहें और ईश्वर से जुड़े रहें, जहां भी आपकी श्रद्धा हो विशेष बल मिलेगा। अंतिम और चौथे स्थान पर अपने आहार पर आप ध्यान दें, आहार को सात्विक बनाएं, रॉ फूड ज्यादा खाएं, फल सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करें, प्राकृतिक रूप से मिली हुई चीजों को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करें, जल का अधिक प्रयोग करें, पूर्ण रूपेण सात्विक आहार रखेंगे, क्योंकि अन्न का मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इतना अगर आप करते हैं और इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देते हुए अपने आप से प्रश्न करते हैं, जहां पर आप अपने जीवन में अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, मैं पूर्ण आश्वस्त होके कह सकता हूं कि आपकी वो समस्याएं बहुत बड़ी आपको फिर नहीं लगेंगी, या फिर उनसे बाहर आने का मार्ग आपको मिल जाएगा, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं व्यर्थ में ही इतना परेशान था, शायद अब से पहले भी अगर मैं इन चीज़ों पर ध्यान देता तो जीवन में बड़े बदलाव हो सकते थे। आज के समय में इस मार्गदर्शन की और इन सब चीज़ों की, इस तरफ ध्यान देने की सभी व्यक्तियों को ज़रूरत है, अगर वो पूर्ण रूपेण अपने आप को मानसिक स्तर पर स्वस्थ पाता है तो भी सजग रहे, क्योंकि आज का जो स्थितियाँ और जो समय है उसमें अपने आप को ठीक प्रकार से व्यवस्थित रखना बड़ा कठिन होता जा रहा है। इसलिए इन सब चीज़ों को धारण करें, अग्रेषित करें, अपने बंधुओं के साथ बैठें, समझें, देखें कि जीवन में कहाँ गड़बड़ हो रही है, कैसे ठीक करना है, आपको विशेष लाभ होंगे। अपेक्षा है कि आपको ये मार्गदर्शन ठीक प्रकार से समझ आ गया होगा, और ये भी अपेक्षा है कि आप पूर्ण रूपेण इसको अपने जीवन में धारण करेंगे। आज के लिए यही संकेत था, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।